ना तो खाने दूंगा ना खाऊंगा मैं, था गया संसद में कहता हुआ, आज भर्ती पॉकेट पर चुप है वो, राम जाने रहनुमा को क्या हुआ। अब डी कंपनी को दाऊद के नाम से नहीं डोभाल के नाम से जाना जाएगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जी हाँ, कारमा मैगजीन ने एनएसए अजीत डोभाल की कंपनी पर जिस तरह से विस्तृत रिपोर्ट छापी है वो आंखें मलने पर मजबूर कर देती है। दरअसल किस्सा कुछ ऐसा है कि बाप गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहा है और बेटे गोडसे की पूजा कर रहा है। आप देखें अगली रिपोर्ट में। 21 नवंबर 2016 नोटबंदी का 13वां दिन, अजीत डोभाल के छोटे बेटे पेज फंड रजिस्टर करवाते, यानी कि जहां मान्यता प्राप्त निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, बाद में अलग अलग कंपनियों या देशों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। हेज फंड रजिस्ट्रेशन के लिए चुना जाता है कैमन आइलैंड, जो कि टैक्स हेवन है, क्योंकि पूंजी को आकर्षित करने के लिए कोई कॉर्पोरेट टैक्स इस देश में नहीं लगता है, इसीलिए टैक्स चोर इसी कंट्री को चुनते हैं। यह देश दुनिया के टैक्स चोरों का अड्डा माना जाता है, जहां एनएसए के पुत्र ने हेज फंड रजिस्ट्रेशन करवाया है। कैमन लैंड वही देश है जहां से नोटबंदी के बाद सर्वाधिक विदेशी निवेश हमारे देश आया। कैमन आइलैंड में जितना विदेशी निवेश भारत आया वो अपने पिछले निवेश की तुलना में 2,226% अधिक था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना निवेश भारत आया और क्यों आया। मैं क्यों कह रहा था पिता बापू को माला पहनाता और बेटा गोडसे की पूजा करता है। 2011 में अजीत डोभाल ने काले धन के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि वैश्विक बाजार में बिना रुकावट और बिना पड़ताल के परिचालित काले धन पर नजर डालने की आवश्यकता है। ये वो धन है जिसमें ना तो मालिक का पता होता है ना तो स्रोत का। टैक्स हेवन के माध्यम से इस धन को ऑफिशियल मार्केट में प्रवेश कराया जाता है। जो देश टैक्स हेवन होते हैं उस देश में कैपिटल इकट्ठा करने के उद्देश्य से कोई कैपिटल कर या लेवी नहीं लगाई जाती है, इसी को टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। देखने में ये देश मानचित्र पर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन संपूर्ण विश्व पर अपना एक प्रभाव रखता है। एनएसए प्रमुख डोभाल ने जितनी जानकारियां जुटाई थी सभी का इस्तेमाल अपने बेटों की कंपनियां संवारने में लगा दी और साथ दिया मोदी सरकार ने। अजीत डोभाल के दो बेटे हैं, विवेक डोभाल और सौरभ डोभाल। विवेक डोभाल का हम जिक्र पहले ही, विवेक डोभाल जीएनवाई कैपिटल के निदेशक हैं और सौर इंडिया फाउंडेशन के निदेशक हैं। वही इंडिया फाउंडेशन जो पीएम के विदेशी दौरों को देखती है और कार्यक्रमों का आयोजन करवाती है, वही इंडिया फाउंडेशन जिसके निदेशक पद पर कई बीजेपी के मंत्री ने काम किया है। ये पूरी रिपोर्ट नौकरशाही मीडिया ने कारमा मैगजीन और दूसरे मैगजीन से निकाल कर बनाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉन डब्ल्यू इवेंस और मोहम्मद अल्ताफ मुस्लिम विटेल जीएनवाई कैपिटल के निदेशक हैं। डॉन डब्ल्यू इवेंस का नाम पैराडाइज पेपर में सामने आया था। कानून के अनुसार वॉक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जीएनवाई की संरक्षक कंपनी है जिसका नाम पैराडाइज पेपर में सामने आया था। कुल मिलाकर जीएनवाई कैपिटल के केंद्र में सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए, जिसकी शुरुआत एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल के छोटे बेटे विवेक डोभाल ने की थी। हम लोग हिंदू मुस्लिम के प्राइम टाइम डिबेट में उलझे रहते हैं, हमारा ध्यान इन रिपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाता है। कभी नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के बेटे की फसल लहलाने लगती है और वो एक ही साल में अपने इनकम में 16,000 गुना की मुनाफा कमा लेते हैं, तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कंपनी तरक्की करने लग जाती है। क्या आम जनता की कंपनी को आप इस तरह से तरक्की करते देखा है? आप खुद विवेचना करें इन बातों की। नौकरशाही में आपका बहुत बहुत शुक्रिया नौकरशाही की इस विशेष पेशकश को देखने के लिए, आपका सहयोग बना रहे। जय हिंद।